हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल क्यूकर स्टडी में। माइक वॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, जो दोस्तों आपके यहाँ पर 29 जनवरी 2017 का है। दोस्तों देखिए, दोस्तों पार्ट नंबर वन में हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर करा चुके हैं और बचे हुए क्वेश्चन को दोस्तों हम पार्ट नंबर टू में आपके लिए लाए हैं। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए। दोस्तों तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सत्रिया नृत्य कहाँ का है। दोस्तों आपका असम का या राजस्थान का या फिर आपका कर्नाटक का या फिर आपका तमिलनाडु का। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सत्रिया नृत्य है दोस्तों, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये आपका असम का है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर असम का आपका लोक नृत्य आएगा तो वो दोस्तों आपका बिहू है, तो आप ध्यान देंगे ये आपका बिहू होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनका भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का दोस्तों आपका क्या होता है, घूमर होता है। और कर्नाटक का दोस्तों, इनको याद रखने का देखिए एक तरीका है दोस्तों, इनको याद रखने की एक ट्रिक होती है। यहाँ पर देखिए, यदि आपको यहाँ पर राजस्थान का याद रखना है तो आप रखेंगे राजा तुम घूमो, मतलब राजस्थान घूमर। और दोस्तों वैसे ही आपका यहाँ पर असम का, असम की बहू हो गया, तो असम की बहू मतलब बिहू हो गया आपका, देखिए। और वैसे दोस्तों यदि आपको यहाँ पर कर्नाटक का याद रखना है तो कर्नाटक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए, कान में करो यक्ष ज्ञान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यहाँ क्या होता है, इनका यक्ष ज्ञान होता है। और वैसे दोस्तों यहाँ पर आपका तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, तुम मिले भरत, तुम मतलब तमिलनाडु हो गया, मिले भरत मतलब भरत वहाँ का दोस्तों नृत्य है। तो इस तरह दोस्तों इनको भी आप याद रख लेंगे, क्योंकि आपका एक लोक नृत्य यहाँ पर अवश्य ही आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। दोस्तों शांति का या साहस और बलिदान का या फिर आपका संपन्नता का या फिर आपका गौरव और एकता का। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें ध्वज के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों हमारे ध्वज में क्या होता है दोस्तों, तीन रंग होते हैं, ऊपर आपका क्या होता है केसरी, और दोस्तों बीच में क्या होता है सफ़ेद, और नीचे क्या होता है दोस्तों आपका हरा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, ऊपर ही ऊपर कौन सा रंग होता है, तो एक केसरी आपका बहुत कॉमन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बीच में एक क्या होता है, चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां आपकी होती हैं। और दोस्तों चक्र किस तरह का होता है, नीले रंग का होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर कभी क्वेश्चन आ गया तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ऊपर का आपका केसरी होता है दोस्तों, केसरी का मतलब आपका होता है साहस और बलिदान। दोस्तों साहस और बलिदान का प्रतीक आपका केसरी हो गया। सफ़ेद रंग दोस्तों आपका शांति का प्रतीक होता है, या पवित्रता का प्रतीक कहें आप, तो आपका यहाँ पर शांति दिया तो आपका शांति हो जाएगा। और दोस्तों हरा यहाँ पर आपका संपन्नता का प्रतीक होता है, दोस्तों ये आपका संपन्नता का प्रतीक हो गया। और दोस्तों गौरव और एकता का प्रतीक, हमारा पूरा ध्वज यहाँ पर गौरव और एकता का प्रतीक और भाईचारे का प्रतीक होता है दोस्तों, तो इनको आपको याद रखना है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही कॉमन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपको पता होगा रतौंधी आपका रोग होता है, जो रात में दोस्तों बाद में कम दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों यहाँ पर आपका बेरीबेरी रोग होता है, तो ये आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, और आपका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर विटामिन के बारे में पूरा यहाँ पर पढ़ना है, रोगों की यहाँ पर जानकारी भी आपको होनी चाहिए दोस्तों, और इनके आपको स्रोत भी पता होनी चाहिए, हमें विटामिन ए कहाँ से मिलता है या बी कहाँ से मिलता है, तो इनको आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है। दोस्तों ये आपका 15 जोनों में या फिर आपका 16 में या फिर आपका 17 में या फिर आपका 18 में। दोस्तों इनको यहाँ पर 17 जोनों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, थार का मरुस्थल कौन से वाले देश में है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, देखिए थार का मरुस्थल आपको पता होगा राजस्थान में स्थित है, जो आपका भारत का एक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वायुसेना का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है एक आपका, दोस्तों आपका एयर चीफ मार्शल या फिर आपका एडमिरल या फिर आपका जनरल या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो वायुसेना वाले होते हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पर एयर आता है, आपको पता होना चाहिए, एयर चीफ मार्शल दोस्तों यहाँ पर एयर सेना का अध्यक्ष आपका हो जाएगा। और दोस्तों एडमिरल ये आपका नौसेना के लिए आता है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए हम बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपका दिल्ली का पुराना नाम क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली का पुराना नाम सुल्तानपुर या इंद्रप्रस्थ या फिर आपका अकबराबाद या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर इंद्रप्रस्थ था, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। बहुत ही बार दोस्तों आपका हर एक परीक्षा में लगभग आता है ये, दीन इलाही दोस्तों आपका अकबर ने की थी दोस्तों, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनाया था, तो ये भी आपके यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, काजीरंगा कहाँ स्थित है। दोस्तों काजीरंगा यहाँ पर आपका असम राज्य में स्थित है दोस्तों, जहाँ पर ये पशुओं के लिए बनाया जाता है दोस्तों,
तो दोस्तों आपका ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत का मात्रक क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत का मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा, और डेसीबल दोस्तों आपका काहे का होता है? ध्वनि का मात्रक। ओम आपका दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक आपका वोल्ट होता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन हो गए, इतने ही थे हमें जो मिले थे। अब हम दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, यदि एक आयत की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हों, तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, आपको आयत का यहाँ पर पता होगा, जिनकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों, और प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वो एक यहाँ पर आयत कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपको लंबाई दी है और 4 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई दी है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल के लिए दोस्तों आपका होता है ए बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 गुणा 4 कर देंगे तो ये आपका दोस्तों 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पर आपका लगता है क्षेत्रफल निकालने में। दोस्तों यदि आपका परिमाप आता तो परिमाप के लिए आपको पता होगा, चारों भुजाओं को आप जोड़ते हैं तो दोस्तों आपके 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, 18 का वर्ग क्या होगा? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होगा वर्ग में क्या होता है, आप गुणा कर देते हैं वही नंबर 2 बार, और यदि आपको घन निकालना होगा तो आप 3 बार कर देंगे। अब आप देखते हैं 8 64, आपका एक यहाँ पर 4 दिखता है आखिर में, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 4x-3=61, तो दोस्तों आपको यहाँ पर x का मान बताना है क्या होगा? देखिए दोस्तों, इक्वेशन है बहुत ही साधारण, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दोस्तों, या आप कहें रैखिक समीकरण है एक, तो 4x इक्वल टू दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 61 प्लस, ये माइनस उधर चला जाएगा दोस्तों पक्षांतर करने पर, तो ये आपके यहाँ पर चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, तो ये आपका 3 बन गया प्लस का, तो दोस्तों आपका यहाँ पर 4x इक्वल टू आपका 64 आ गया, और ये आपका दोस्तों x इक्वल टू यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आप 4 से 64/4 दोस्तों आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों 16 आपका निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, निम्न श्रृंखला में गलत पद छांटिए। दोस्तों एक श्रृंखला वाला आपका आर्मी में अवश्य ही आता है, तो आपको श्रृंखला वाले यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। देखिए पहला आपको यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, 4, फिर आपका 10 16 22 32। देखिए दोस्तों इनके बीच का आप गैपिंग निकाल लेंगे, ये आपका 6 है, ये आपका कितना ऐड हुआ दोस्तों बाद में, फिर आपका 6 हुआ, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर 6 हुआ, तो दोस्तों आप यहाँ पर लगातार देखते हैं, यहाँ पर आपका 6 ऐड होता है, 6 ऐड होता है दोस्तों, तो यहाँ भी आपका 6 ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका 10 ऐड हो गया, 10 ऐड हो गया, तो यही दोस्तों आपका गलत है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका 32 होगा, तो आपका 32 यहाँ पर गलत आ गया। तो इस तरह दोस्तों आपको चेक करना है इनको। अब देखिए दोस्तों हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक भिन्न आपको दी है और इसका आपको मान बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दोस्तों पूछे जाते हैं, जिनमें आपके बहुत सारे यहाँ पर फ्रिक्शन होंगे दोस्तों। देखिए आप क्या करते हैं इन क्वेश्चनों में, हमेशा दोस्तों आप नीचे से शुरू करेंगे, हमेशा आप देखते हैं छोटे से छोटा आपका फ्रिक्शन कौन सा है, ये वाला आपका है, तो पहले आप यहाँ शुरू कीजिए, ये आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए क्या आएगा आपका नीचे, आपका दोस्तों ये आपका आ जाएगा 3 और 2 5/3, तो 5/3 आपका इतने की जगह पर आएगा, और दोस्तों ऊपर वाले को भी आप कर दीजिए, जो आपके बड़े जो आपका अपॉन होगा उसके ऊपर और नीचे आप सॉल्व कीजिए, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 2 एकम 2 एक 3/2 आपका आ गया, और दोस्तों ये देखिए आप ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये 3/2, और दोस्तों आप बड़ा बट्टा लगाइए 3 धन, अब देखिए यहाँ पर आपका 1/5/3 आ गया, तो 3 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/5 आपका बन गया। अब देखिए इनको आप सॉल्व कीजिए दोबारा, 3/2 आपका ऊपर है, इनको कीजिए तो 5 या 15 और 18/5। अब दोस्तों देखिए आपको पता होगा, जब आपकी इस तरह की भिन्न आती है दोस्तों, तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा गुणा हो जाता है दोस्तों, तो पहले का चौथा किया आपने गुणा, तो 5 या 15 हो गया, बट्टे आपका 18 गुणा 2, और दोस्तों देखिए कट रहा है आपका 3 से, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 5/12 निकल के आ गया, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही कॉमन है दोस्तों, बहुत ही आसान है, केवल आपको इतना ध्यान देना है कि आपका छोटे वाले फ्रैक्शन को पकड़ना है आपको, और धीरे धीरे ऊपर को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये आपने यहाँ पर देखे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके गदोष में पूछे गए थे दोस्तों। अब हम दोस्तों आपको अन्य क्वेश्चन को भी कराएंगे लगातार यहाँ पर, अन्य जो भी आपके परीक्षाएं हुई हैं, हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। ओके थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।